लेकिन एक मजदूर किसान छोटे व्यापारी का बच्चा कहीं अंग्रेजी में बात करने लग जाए, राजस्थान का इनसे मुकाबला करने लग जाए, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछने लग जाए, तो उन्हें आपत्ति। बुला लीजिए अपने बच्चों को पहले लंदन और न्यूयॉर्क से, फिर बात करिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खिलाफ। ढोंग देखिए, ये दोगलापन देखिए। मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे लंदन में, लेकिन मेरे घर में जो काम करता है उसका बच्चा मजाल है कि किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। ये क्रांति जो गहलोत साहब लाए, जो कांग्रेस की सरकार यहां लाई राजस्थान में, मुझे लगता है वो क्रांति सब गारंटियों से ऊपर है। पूरा देश बात कर रहा है, 98 लाख परिवार अपने बच्चों को जिन अंग्रेजी स्कूल मीडियम स्कूल में भेजने लगे। सोचिए कि सामाजिक दृष्टि से एक नया बैलेंस बन रहा है, जो निशक्त माने जाते हैं उनको शक्ति दी जा रही है, उनकी अगली पीढ़ी को शक्ति दी जा रही है। जब अगली पीढ़ी तक को शक्ति देने की बात हो जाए, ऐसी सरकार को फिर से आना होगा। तवे पे जब रोटी होती है जल्दी पलट दो तो वो कच्ची रह जाती, अभी रोटी पलटने का समय नहीं है, अभी रोटी को और पकना है। ये सरकार 5 साल फिर से दोहरानी है, ताकि मेरे और आपके जैसे हमारे घर में जो काम करते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सकें। मैं आज सिर्फ एक गारंटी की बात करूंगा, क्योंकि ये गारंटी मुझे भावुक कर देती है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं जहां 2 वक्त की रोटी न भी हो तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया, और उसका नतीजा हम तीनों भाई बहनों को मिला। ऐसे अगली पीढ़ी में निवेश किया जाता है, तो गहलोत सरकार ने अगली पीढ़ी में निवेश किया है। उसके जवाब में आपको इसी पार्टी में फिर से निवेश करना है, ताकि रोटी पूरी पके। और वो लोग जिनको आपत्ति है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से, वो खुलकर सामने आए, बताएं क्या आपत्ति। आप यहां से बाहर जाकर पूछिए किसी भी दुकान वाले से, किसी भी रेहड़ी वाले से, किसी से पूछिए कि उसके मन में एक मुराद है कि उसका बच्चा अंग्रेजी या उसकी बेटी अंग्रेजी बोल सके। डटकर नए समाज में मुकाबला कर सके। इसमें भी इनको आपत्ति, क्या चाहते हैं कि जो कमजोर है वो कमजोर रहे। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो राजस्थानी नहीं पढ़ाएंगे या हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, तीनों भाषाएं पढ़ेंगे और मजबूत बनेंगे और सशक्त बनेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गारंटी मेरी नजरों में, जो समाज में एक, जिसको साइलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं, चुपचाप से एक क्रांति आ गई, ये वो गारंटी है। बाहर के नारे अब थोड़े कम हो गए क्योंकि कैमरा सारे अंदर आ गए। इसलिए हम बार बार आपसे आकर गारंटियों की बात करते हैं, इसलिए हम इनका असली चेहरा आपके सामने लाकर एक्सपोज करते हैं कि ये जो ये बोल रहे हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खिलाफ, ये दरअसल राजस्थान की अगली पीढ़ी के खिलाफ। अपने बच्चों को कहीं भेज देंगे पढ़ने, हमारे आपके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आज इस प्रेस वार्ता के जरिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन दोगले नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को विदेश से वापस कब बुला रहे हैं कि नहीं पढ़ने देंगे, अभी वो भी यहीं पढ़े, और अगर नहीं बुला रहे, माफी मांगे राजस्थान के लोगों से, राजस्थान के बच्चों से, बच्चियों से, कि वो उनको अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ने देना चाहते, आखिर क्यों, इसका जवाब दें। नहीं तो वोटर जवाब देने को तैयार बैठा है। इसलिए वोट गारंटी पर, वोट इस क्रांति पर जो गहलोत सरकार यहां लाई है, उसी पर पड़े आपके सवाल। एक एक करके पूछें तो अच्छा रहेगा। 2005 2008
क्योंकि उन स्कूलों में जो त्रुटियां थी उन्हें दूर करके अब जिस तरीके से वो स्कूल खोले गए हैं, त्रुटियां दूर करना हर सरकार का एक काम होता है। तो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके अब जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स ना केवल खुले हैं, उनको जो रिस्पॉन्स मिला है यहाँ के लोगों को, उससे आपको मालूम पड़ता है कि एक दो मॉडल स्कूल खोलने से अच्छा जिस तरह से इन्होंने पूरे राज्य में खोल दिए। एक एक, 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 एक अब नेक्स्ट ये माइक नहीं चल रहा भैया, माइक नहीं चल रहा। देखिए, कोई भी सरकार का मुखिया अगर अपनी ही सरकार में खुलकर पारदर्शिता की बात करता है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। मोदी जी में तो हिम्मत नहीं है कभी, वो टेनी जी को तो अभी तक नहीं हटा पाए। देखिए, पारदर्शिता लाना, हमारे जहां से हम आए हैं अभी केंद्र सरकार वहां बैठी है, अभी महीना डेढ़ महीना पहले सीए जी की रिपोर्ट्स आई थी। पारदर्शिता की बात करते हैं हम, सीए जी की रिपोर्ट्स आने के बाद हमें और आपको क्या उम्मीद होती है कि कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई, किस पर की, जिन्होंने वो रिपोर्ट लिखी, ये अंतर है। तो आप अगर गहलोत साहब ने ऐसा कहा या सवाल उठाया तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा सवाल उठाया। पारदर्शिता लाना हर सरकार के मुखिया का राजधर्म होता है। माइक नहीं चल रहा भैया आपका, अभी आ रहा हूं। मैंने देखा नहीं, देखकर उस पर वो भी बताएंगे हम भी बताएंगे, फिर देख तो लें कल। बिल्कुल, लेकिन फिर हम यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल लाते हैं, हम ये ढोंग नहीं करते कि साहब नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं जिनको आपत्ति है कि यहाँ के लोगों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल ना हो, उनको जाने का हक नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है बात। मैंने अभी जैसा कहा कि मैंने वो देखा नहीं, उसके तथ्य नहीं मालूम, तो जब तक तथ्य मुझे नहीं मालूम होंगे उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँ। अब किस सीट के बारे में और किस टिकट के बारे में और किस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकतंत्र में चुनावों में एक लक्ष्मण रेखा तो हर पार्टी रखती है, हम भी रखते हैं। हमारी लक्ष्मण रेखा आप जानते हैं क्या है, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ लोग भूल सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग मन उनका भर चुका होता है किसी विचारधारा से या किसी पार्टी से, वो आना चाहते हैं, ये होता है चुनावों में कमोबेश हर पार्टी में ये होता है। आप तो मिले थे अभी, टिकटों पर ज्यादा बोलूंगा तो बिना ज्ञान के बोलने का लाभ नहीं। मैंने सर्वे रिपोर्ट्स देखी नहीं, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर सबसे सलाह लेकर एक प्रक्रिया के तहत टिकटें बांटी जाती हैं। समय लगता है, जैसे हमें समय लग भी रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन वो समय सर्वेस को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके, कोई एक सर्वे नहीं होता, अलग अलग स्तर पे सर्वे होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग नेताओं से सलाह ली जाती है, सलाह मशविरा के पश्चात टिकटों का वितरण होता है। उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग नाराज भी होते हैं, अरे साहब ये तो चलो जीतने वाली पार्टी है, हारने वाली पार्टी में देखो कितनी मारा पीटी हो रही है,
तो हम तो जीतने वाले हैं, हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा रोष तो होगा ना। देखिए साहब, नींव डालते ही इमारत नहीं खड़ी हो जाती भैया, या तो माइक चला दो या आप लोग चुप हो जाओ, दोनों में से एक चीज तो कर दो। नींव डालते ही तो इमारत नहीं बन जाएगी साहब, आपने तो वही बात कर दी जो हमारे दिल्ली वाले गुजरात वाले दो बाबा करते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो नींव डालने के पश्चात इमारत बननी शुरू हो और मारामारी हो जाए कि साहब भर्ती करवाइए, सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाएं, जो रिस्पांस इस गारंटी का आया है, इस स्कीम का आया है, वो देखकर आंखों में आंसू आ जाए कि लोगों के मन में ये है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। अब इमारत में एक फ्लोर बना, दो फ्लोर बने, तीन फ्लोर बने, समय लगेगा, काम शुरू हो गया, इसलिए कहा था रोटी पलट दोगे तो कच्ची रह जाएगी। देखिए, जो काम किया है उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। अभी मैं अभी सीएम साहब के साथ ही दिल्ली से आया, हवाई अड्डे पर जब हम उतरे और बाहर आ रहे थे तो एक प्रौढ़ दंपत्ति ने सीएम साहब को रोका, साहब हम आबू धाबी में रहते हैं, रहने वाले जयपुर के हैं, वोट देने आए, आपका काम इतना पसंद आया कि इस बार हमने सोचा हम आबू धाबी से वापस जयपुर आकर वोट दें अपना। इसके बाद न कहने को कुछ रह जाता है न सुनने को कुछ रह जाता है, लेकिन प्रमुख मुद्दा यही है कि रोटी कच्ची अच्छी नहीं रहती। ये मेरे राज्य का माहौल बिगाड़ने की अनुमति मैं किसी को दूंगा। कल पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर उत्तर प्रदेश में गुंडों ने पीटा, अरे अपना राज्य जाकर संभालिए ना साहब। सुबोध कुमार सिंह पुलिस का एक अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी गई, संभालिए ना साहब। यहां आकर मेरे राज्य का माहौल क्यों बिगाड़ रहे, अपना राज्य संभलता नहीं है, चले आए यहां माहौल बिगाड़ने, राजस्थान की जनता जवाब देगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में प्रेस वार्ता करते थे, एक सेकंड, वहां पे वो कहते हैं कि जो छोटी नहीं है उसका छोड़ेंगे, लेकिन दिन पहले बयान देते हैं कि अपनी साइकिल के विधायक है वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन। आप हर चीज को मुद्दा क्यों बनाते, नहीं बनाइए बनाइए मुद्दा बनाइए। आज मुद्दा क्या है, आज मुद्दा है 7 गारंटियों का मुद्दा, आज मुद्दा है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का मुद्दा, आज मुद्दा है अंग्रेजी माध्यम स्कूल रहें या न रहें। अरे हमारी 7 गारंटियों से बाबा जी हमारे जो दिल्ली वाले हैं गुजराती, वो कितने परेशान है देखिए, यहाँ आकर वो भी हमारी गारंटीज की बात करते हैं। तो गारंटियों के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी सुना साहब, आईटी के कमरे में आग लगी, उसमें कौन सा भ्रष्टाचार का फाइलें हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में हर बार चुनाव से पहले ऐसे ऐसे फाइलों में आग लगती है जहां मालूम है कि कुछ हुआ, लेकिन अब तो ऐसी बेशर्मी का आलम है कि सीएजी की रिपोर्ट्स आती हैं तो रिपोर्ट लिखने वाले पे कार्रवाई हो जाती है। ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बताइए बताइए लोकपाल का नाम क्या है, किसी को नहीं मालूम कौन है लोकपाल इस देश में, नहीं मालूम लोकपाल का आंदोलन कितना बड़ा था। आज मुझे अभी गूगल किए बगैर मुझे नहीं मालूम पड़ेगा लोकपाल कौन है। अतुल जी तो बड़े ज्ञानी हैं, आईएएस वाईएएस कर चुके हैं, पूछिए इनसे लोकपाल कौन है, पूछिए स्वर्णिम भाई से लोकपाल कौन है, मैं आपसे पूछता हूँ बिना गूगल किए, बताओ।
एक सेकंड। लोकपाल का जब नाम नहीं मालूम जिस देश में, और लोकपाल के आंदोलन पे सवार होकर सरकारें बनाते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हाँ जी, आप पूछ रहे थे। मैं लोकपाल पे तो कोई आरोप लगा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं नाम ही नहीं मालूम हमें। भाई हम तो नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि लोकपाल आपने बनाया ना, कहां है वो लोकपाल, उस पर कितने केस आपने उसको दिए हैं। लोकपाल तो केंद्र सरकार ने बनाया ना, मैं लोकायुक्त की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक सेकंड लोकपाल की बात कर रहा हूं, सीएजी की बात कर रहा हूं। कहां है सीएजी, क्या होता है सीएजी रिपोर्ट्स का? 55 आई थी 2015 में, 2021 तक आते आते 14 रह गई। सीएजी रिपोर्ट्स नहीं आती अब इस देश में, आती है तो उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है जो रिपोर्ट लिखते हैं ऑडिटर्स।